हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो थोड़ा सा ये फोन में स्विच चेंज कर रहे थे। जैसे कि देख सकते हैं अभी ये फोन टूटा हुआ है, यानी आपका घर में कोई स्विच खराब हो जाए, ऐसा ये थोड़ा सा ये है फोन में स्विच खराब हो जाए तो ये आपको इसको चेंज करने के लिए इलेक्ट्रिशियन को लेके आने का इलेक्ट्रिशियन ले आने की जरूरत पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आप घर में बिना किसी स्पेशल कोड से आप किस तरह से ये स्विच चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बस एक टेस्टर चाहिए स्विच को चेंज करने के लिए। ओके, क्या करना है, पहले इस स्विच को ओपन कर लेते हैं लाइव। जैसे कि देख सकते हैं दो फ्रेंड इसमें पावर है, इस स्विच में पावर है, मैंने ऑफ नहीं किया। ओके फ्रेंड्स, अब सबसे पहले कोई स्विच या फिर चेंज करने के पहले पावर आप पावर को ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर लीजिए। ऑफ करने के बाद ही काम कीजिए। हमने एक नया स्विच ले लिया, अभी उसी स्विच को फिटिंग करेगा, फिटिंग करने का। अब देख सकता है L1 यहाँ पर जो लिखा है L1, बेसिकली ये जो लाइट का लोड होता है ना, जो तार लाइट पे गया है उसी पर लगाना है। और यहाँ पर जो लिखा है कॉमन पे आपको जो लाइन है बेस, तो उसी को जोड़ना है इस पर कॉमन पे। सबसे पहले हम कॉमन को ले लेते हैं, ये जो वायर है ये सीधा लाइट पर गया। अब देख सकते हैं जो ये वायर कॉमन पे लगा हुआ है, यहाँ पर जो है ये लोकी को है, यहाँ जो कॉमन पे लगा रखा है वो लाइफ लाइन है, उस पर दो तार या तीन तार ओके हो सकते हैं, उसमें मुश्किल नहीं है, वो इसी साथ जोड़ देना है। और बाकी जो ये लाइट जो है ये लाइट पर किसी फैन पर किसी पका होता है, यानी ये लाइट पर गया हुआ है, यानी ये लोड वायर हम ले रहे हैं L1 भी। ओके, थोड़ा हो चुका है, वो हमने लगा दिया। जैसे आप ये चालू करेगा तो वो फीस लगा हुआ है, यानी फैन या लाइट कुछ भी, ये लाइट का स्विच है। अब हमें ये अभी तो लगाना वायर कॉम्प्लीट हो गया, इसको चालू करेगा आप देख सकते हैं ये लाइट वर्क कर रहा है, इस स्विच का जो लाइट है वही वर्क कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब इसी प्रकार से खराब हो जाता तो इसी प्रकार से आप वन एक स्विच खराब हो जाएगा तो आप घर में खुद ही चेंज कर सकते हैं, किसी इलेक्ट्रिशियन का जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके फ्रेंड्स, और हम इस स्विच को जोड़ते बॉक्स के साथ। आप लोगों को इस प्रकार वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।